न्यूज 18। पटना की चर्चित मॉडल अनीता देवी उर्फ मोना रॉय मर्डर केस में पुलिस के हाथ अहम कामयाबी लगी है। पुलिस ने 12 दिन के बाद एक शूटर को गिरफ्तार किया है जिसे मीडिया से अब तक छिपाकर रखा गया है। देखिए इस रिपोर्ट में पुलिस क्यों शूटर को छिपा रही है और अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। मॉडल मोना का कातिल गिरफ्तार। 12 दिन बाद पुलिस को मिली कामयाबी। 5 लाख में ली थी मोना के मर्डर की सुपारी। शूटर बोलेगा, मर्डर मिस्ट्री का राज खुलेगा। राजधानी पटना की चर्चित मॉडल टिकटॉक स्टार मिस बिहार 2021 की प्रतिभागी बेस्ट आई का खिताब जीतने वाली अनीता देवी उर्फ मोना राय हत्याकांड में पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी, वो भी मॉडल मोना राय की मौत के 7 दिन बाद और गोलीबारी कांड के 12वें दिन। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी पटना पुलिस कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। शूटर को शिकंजे में लेने के बाद भी पटना पुलिस चुप्पी साधे बैठी है। न्यूज 18 के संवाददाता ने जब पटना के राजीव नगर थाने की पुलिस और मॉडल मर्डर केस को लीड करने वाले अधिकारी से सवाल किया तो उन्होंने सीनियर अधिकारी का हवाला देते हुए सवाल को टाल दिया। आरा गए थे तो मतलब वहाँ से कितने आरोपी को गिरफ्तार करके लाए? अभी चल रहा है, देखिए अभी तो अभी जस्ट आए हैं हम लोग, सर बताएंगे। मतलब आरोपी की कितनी गिरफ्तारी हुई है? आते हैं सब तुरंत तुरंत आ रहे हैं। आप भी लीड कर रहे हैं? तुरंत टीम को आप भी लीड कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। सुन लिया आपने, सर आ रहे हैं वही बताएंगे। शायद इनको डर है कि कुछ ऊंच नीच हो गया तो मामला नया तूल पकड़ लेगा, क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल है। खैर जो भी हो, पुलिस को तो सीना चौड़ा कर अपनी कामयाबी पर पीठ थपथपानी चाहिए, लेकिन पुलिस अभी भी राज को राज ही रखना चाहती है, इसलिए कुछ खुलकर नहीं बोल रही और न ही शूटर की तस्वीर मीडिया से शेयर कर रही है। पटना की चर्चित मॉडल मोना राय हत्याकांड में पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। पटना पुलिस ने भोजपुर पुलिस की उद्वंत नगर थाने की टीम के साथ इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी से पूछताछ के आधार पर प्रथम दृष्टया यह मामला खुलकर सामने आया है कि मोना राय की हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। इस पूरे मामले में फिलहाल पटना पुलिस खुलासा करने के मूड में नहीं है। अभी राजीव नगर थानाध्यक्ष से जो मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि सीनियर ऑफिसर इस पूरे मामले में ब्रीफिंग करेंगे। पटना एसएसपी से न्यूज 18 की बात हुई है और फिलहाल वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो सुन लिया आपने, 5 लाख रुपए में मॉडल को जान से मारने की सुपारी दी गई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है, क्योंकि कोई आम इंसान 5 लाख रुपए की सुपारी नहीं दे सकता। ठीक एक सप्ताह पहले, आज रविवार है और पिछले रविवार को उनकी मौत हो गई थी सुबह में, और एक सप्ताह के बाद पटना पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि कॉन्स्पिरेटर कौन है, हत्या की साजिश क्यों रची गई, एक अहम और बड़ा सवाल है। अब सवाल है कि मॉडल को मारने की सुपारी किसने दी थी, शूटर को किसने हायर किया था, लाइनर कौन है, मोना राय को मारने की साजिश किसने रची थी, पर्दे के पीछे कौन कौन लोग हैं। ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब पटना पुलिस को तलाशना होगा। पुलिस ने जिस शूटर को भोजपुर पुलिस की मदद से उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के भगवतीपुर गांव से गिरफ्तार किया है, उसका नाम भीम यादव है, जो भगवतीपुर गांव निवासी मुन्ना यादव का बेटा है। हैरानी की बात यह है कि सुपारी के 5 लाख रुपए में से भीम यादव को मात्र 70,000 रुपए मिलने थे, बाकी के 4,30,000 रुपए किस किस में बटे वो अभी पुलिस के लिए एक अनसुलझी पहेली की तरह है, जिसे पुलिस सुलझाने में लगी है। शायद इसीलिए मुंह नहीं खोल रही। गिरफ्तार शूटर भीम यादव ने पुलिसिया पूछताछ में क्या क्या बताया है वो अहम है, क्योंकि उसी की निशानदेही पर पुलिस आगे की तफ्तीश करेगी, जिसे पुलिस बताना नहीं चाह रही है।
खैर जो भी हो, आज नहीं तो कल राजफास तो होना ही है, वो चेहरे भी सामने आएंगे। लेकिन कुख्यात भीम यादव की गिरफ्तारी के बाद भोजपुर की उदवंत नगर थाने की पुलिस ने राहत की सांस ली, क्योंकि भीम यादव अपने इलाके में काफी सक्रिय था, उससे पंचायत चुनाव में भी शांति भंग होने की आशंका थी। इधर पटना के राजीव नगर थाने की पुलिस ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद पुलिस पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि शूटर भीम यादव क्या खुलासा करता है और पुलिस उस पर किस तरह का एक्शन लेती है। न्यूज 18 के लिए आरा से हिमांशु के साथ पटना से संजय की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं।